इस दिन घर की महिलाओं को नहीं धोने चाहिए अपने बाल। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा दिन है जिस दिन अगर घर की महिलाएं बाल धोती हैं, चाहे फिर वो कुंवारी महिला हो या फिर वो शादीशुदा ही क्यों ना हो, अगर वो बाल अपने धोती है तो इससे घर में बच्चों को बहुत अधिक परेशानी आती है, आपके पति की जान भी खतरे में आ सकती है और घर में बहुत प्रकार से दरिद्रता आ जाती है। इसीलिए इस दिन महिलाओं को भूलकर भी बाल नहीं धोने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उसी दिन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि वो कौन सा ऐसा अशुभ दिन है जिस दिन अगर महिलाएं अपने बाल धोती है तो उनको बहुत भारी संकटों से गुजरना पड़ता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं ललित शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल प्रॉब्लम्स वन सॉल्यूशन में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार चाहे आपकी शादीशुदा का समारोह क्यों ना हो या फिर किसी प्रकार का संस्कार ही क्यों ना हो, उसके बाद कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है जिनका पालन पुरुष और महिलाएं दोनों द्वारा किया जाता है। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उसका बहुत अशुभ परिणाम देखने को मिलता है। उसी प्रकार से सप्ताह के कुछ ऐसे भी दिन हैं जिन पर यदि घर की महिला अपने बालों को धोती है तो घर में बहुत प्रकार से दुख दरिद्रता आ जाती है। आपके भाई पर, आपके पति पर, आपके बच्चों पर बहुत बुरे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से दिन हैं जिस दिन आपको या घर की महिलाओं को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। तो वो अशुभ दिन है बुधवार। जी हाँ दोस्तों, अगर बुधवार के दिन कुंवारी महिला अपने बाल धोती है तो इससे उसके भाई पर बहुत बड़ा संकट आ जाता है। उसके भाई के तरक्की के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाती है, उसके बने बनाए काम बिगड़ने लगते हैं। इसलिए भूलकर भी बुधवार के दिन कुंवारी महिलाओं को अपने बालों को नहीं धोना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं गुरुवार के दिन। जी हाँ दोस्तों, गुरुवार के दिन शादीशुदा महिलाओं को अपने बालों को भूलकर भी नहीं धोना चाहिए। यदि गुरुवार के दिन शादीशुदा महिला अपने बालों को धोती है तो इससे उसके पति पर बहुत भारी कष्ट आ जाते हैं, उनके संबंधों में कटुरता आ जाती है, उनमें हर छोटी छोटी बात को लेकर लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए गुरुवार अथवा वीरवार को भूलकर भी शादीशुदा महिला को अपने बालों को नहीं धोना चाहिए और हो सके तो कुंवारी महिलाओं को भी इस चीज़ का परहेज ही करना चाहिए। वीरवार के दिन घर के किसी भी सदस्य को अपने नाखून नहीं काटने चाहिए और घर में किसी भी प्रकार के कपड़ों को भी नहीं धोया जाना चाहिए, और अगर हो संभव हो सके तो घर में वीरवार गुरुवार के दिन आपको पोछा भी नहीं लगाना चाहिए, उससे भी आपको परहेज करना चाहिए। इसके साथ हम बात करते हैं मंगलवार के दिन की। दोस्तों, मंगलवार के दिन भी शादीशुदा महिलाओं को अपने बालों को नहीं धोना चाहिए। महिलाओं को यदि मंगलवार को अपने बाल धोती है तो ये भी उनके पति के लिए कष्टदायक होता है, इसलिए मंगलवार को भी बाल धोने से परहेज करें। शनिवार, शनिवार के दिन यदि महिलाएं कुंवारी महिला चाहे शादीशुदा महिला अपने बालों को अगर धोती है तो इससे घर पर कर्जा बढ़ता है, घर पर कर्जा बढ़ता है, साथ साथ घर में दरिद्रता आ जाती है, घर में पैसा कभी नहीं रुकता, अगर पैसा आता भी है तो भी वो किसी ना किसी तरह से खर्च हो जाता है। इसलिए भूलकर भी शनिवार को भी आपको अपने बालों को नहीं धोना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकें। जय श्री राम दोस्तों।